जानते हैं अंशुमन जी, आप ही हैं। तुम हर बार कैसे पहचान लेती हो? आपके स्पर्श से, आपकी छुअन हमें एक एहसास देती है और उस एहसास को समझने के लिए हमें आंखों की जरूरत नहीं है, इसलिए पलक झपकते ही हम पहचान लेते हैं कि आप ही हैं। कोई एक पिक करो। अब ये आइडिया कहां से आया आपको? बस आ गया। स्पेशल डेट नाइट विद हस्बैंड। So, धर्म पत्नी जी, क्या सोचा? सोचना हमें नहीं, सोचना तो आपको है पति परमेश्वर जी, कि आपको ये स्पेशल डेट नाइट कैसे प्लान करनी है। अब आपने इतना अच्छा आइडिया तो सोच लिया, अब ये भी सोचिए और हाँ अच्छे से सोचिएगा। अरे क्या यार, ये तो पहले सोच के आना चाहिए था। मेरे गले में जंगली घंटे बांधना चाहते हैं और खुद आप हमारा राज खुली है उस पे कोई विश्वास करे ना करे, लेकिन हमने अगर बता दिया, आपने हमसे जहर खरीदा था तो पता है क्या होगा? लेकिन हमने वो जहर मिलाया नहीं था खाना में। लेकिन खरीदा तो था ना, और वो जहर सुमन दीदी के शरीर में भी मिला। तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप अपने मुंह पे ताला लगा के रखें, वरना ना हमें आपका भेद खोलने में देरी लगेगी, ना ये खंजर आपके सीने में उतारने में। सुमनिया, हमारा तो मन गदगद हो गया, इतना सुंदर सुशील लड़की का नंदन बाबा से ब्याह हो रहा है, सपना में भी नहीं सोचे थे। हम तो बस देखने आ गए, तुम तैयार कराओ, हम जरा रसोई में देखते हैं कि हमारे लायक कोनो काम है का, है ना? जी मामी जी। हाँ चलिए, मैं आपको बाहर तक छोड़ कर आती हूँ, उसका कोई जरूरत तो था नहीं। सुनिए जरा, हमारी बात गांठ बांध लीजिएगा। अरे रसोई इधर है, उधर तो कुशल खाना है। अयो दादा, ये तो बहुत खतरनाक लड़की है, सीधा जान लेने पे आ गई। हमारे तो प्राण सूख गए थे, पहले रसोई में जाकर कुछ खा पी लेते हैं। एक मिनट, इसको कैसे पता कि रसोई इधर है और गुसल खाना इधर है? ये तो पहली बार इस घर में आई है। अब तुम तैयार हो जाओ। प्लीज सौरभ जी, हमें जाने दीजिए, माँ के सामने हाथ जोड़े प्लीज। हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, हमारा यहाँ पे दम घुट रहा है सौरभ जी। बताइए माँ जी, इसको ये बात समझ में आ गई है, अब ये किसी को कुछ नहीं कहेगी। अरे बिटिया, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो, तो पहले ही मान गई होती तो ये सब करने का जरूरत नहीं पड़ता था ना। जी आप ऐसे परेशान मत होइए, कभी कभी डब्बे से घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। शाबाश।
नंदिनी, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मेरे भाई ने एक जंगली लड़की से शादी की होगी। नंदिनी, कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ लो। अब अमोली तुम्हारी भाभी है। भाभी? और वो, मैं ना अच्छे से समझ रही हूँ कि तू क्या करने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक बात याद रखना कि नंदन मेरा जुड़वा भाई है, और अगर उस लड़की की वजह से उसे जरा भी तकलीफ हुई ना, तो पूरे परिवार को तकलीफ होगी, और तेरा भाई भी इससे अछूता नहीं रहेगा। नंदनी, ये तुम क्या बोल रही हो? पागल हो गई हो क्या? वही जो तू सुन और समझ दोनों रही है। तू अगर मेरी भाभी है ना, तो मैं भी तेरी भाभी हूँ, समझी? नंदनी, ये क्या हो गया है तुम्हें? ये सारे फूल मंदिर के उस तरफ लगवा। आरती, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा है। कहाँ पहुंची हो तुम? भैया पीछे देखिए। अंशुमन भैया, क्या हुआ आरती? क्या बात है आरती, तुम ठीक हो? हाँ भैया, सब ठीक। हम बस थोड़ा सा डर गए थे। डर गई थी? पर क्यों? वो सुमन की हालत यहाँ पे बहुत खराब थी ना, तो हमारी भी तबीयत खराब हो गई थी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए हम अपने घर चले गए थे। आखिर जंगली आदिवासी लड़की पहले इस घर में आई काहे? कैसे पता लगा है? इनको बुझा नहीं रहा है कैसे? सीसीटीवी फुटेज आ चुका है, लेकिन समझ नहीं आ रहा आप इस सीसीटीवी फुटेज का करेंगे क्या? अचार डालेंगे, और जब निखर जाएगा ना, तो सबको चखने के लिए बुलाएंगे। कौन ऐतराज है आपको? नहीं, जाइए। अच्छा, जाते हैं। दादा, ये जंगली अमोली ने सुमनिया के खाना में जहर मिलाया। मतलब मारना भी यही चाहती थी और बचाई भी यही, लेकिन ऐसा करके चाहती का है? कुछ तो बड़ा खेल खेल रही है ये। भगवान, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन कर दी। सुमन के छापा के ऊपर अपना छापा लगा दी, देखिए। अरे सत्यानाश, अरे कर दिया ना अपशगुन। हम तो पहले ही कह दे कि इस जंगली लड़की को हमारे घर में लेकर मत आओ। लेकिन नहीं, हमारा बात सुनता कौन है? कोई नहीं सुनता है। इस लड़की को हमारे रीति रिवाज के बारे में कुछ पता ही नहीं है। करेगी तो बस अपशगुन करेगी, नाश करेगी। कर दिया। अरे दीदी, कैसी बातें कर रही हैं? अमोली भी नई नई घर में आई है, और हर कोई अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं आता। अभी घर में आई है, इस घर के तौर तरीके रीति रिवाज धीरे धीरे सब सीख जाएगी। अमोली बेटा, तुम अपने हाथ के छापे फिर से लगा दो, और सुमन के हाथ के छापे के नीचे लगाना।
जी, हमारे परिवार में हमेशा से रीति रिवाज को बहुत महत्व दिया गया। क्यों? बहुत अजीब है। हाँ, बहुत अजीब है। बड़ा भाई छोटी भाई की पत्नी को छीन लेता है और किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। घर की कोई मान मर्यादा बची ही नहीं। देखते रहो। पापा, मैं जानता हूं नंदन को ये सब सही नहीं लग रहा होगा, लेकिन खुशी की बात तो ये है कि नंदन बच गया, हमारा परिवार बच गया। हाँ बेटा, और देखना धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्यों बाबूजी? आज हमारी दोनों बहुएं हमारे घर आ चुकी हैं, हमारा परिवार पूरा हो गया है। अब तुम दोनों को मिलकर इस घर को संभालना है। हमारी छोटी बहू के लिए उपहार, मुंह दिखाई। और हमारी तरफ से हमारी देवरानी के लिए ये। वो क्या है ना, अचानक से ऐसे हालात आ गए तो हमें समय ही नहीं मिला कि हम तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट ला सके। लेकिन हम तुमसे वादा करते हैं, हम ना तुम्हें शॉपिंग पर लेकर जाएंगे, फिर तुम्हें जो लेना होगा हमारी तरफ से ले लेना। देख रही हो, ऐसी है हमारी सुमन। आप सबने हमें उस सब कुछ दिया जो हमको चाहिए था, हमारा पति, हमारा प्यार और आप सबका आशीर्वाद। आप सब बड़े हमें ऐसे ही अपनी पलकों की छांव में बना के रखिएगा, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमको लगता था एक हम ही है जो गजब का ड्रामा करते हैं, बाकी अमूल्या हमसे 20 गुना ज्यादा है ड्रामा करने में। देखो कैसे आंख में आंसू भर भर के सबको रुला रही है। दादा रे दादा, गजब का बड़बड़ा रही है। कुछ नहीं, बस हम तो सास बहू और देवरानी जेठानी का प्यार देख रहे हैं। आप भी देखिए। चलो अब नंदन को बुला लाओ, उससे कहो कि हमारी छोटी दुल्हन तैयार है। हाँ, बताना तो पड़ेगा ही, कमरा भी तैयार है और हमारी दुल्हन भी। अब बिल्कुल भी देर नहीं होनी चाहिए। आरती दीदी, नंदन को हम बुला लाते हैं। हाँ, बस थोड़ा सा इंतजार, सुरभि माँ हम आते हैं। जिंदगी का असली रंग अब जिएंगे। सहरी बाबू भी हमारे, ये घर भी हमारा, यहाँ का धन दौलत भी हमारा। हमारा भाग्य ही हमारा सौभाग्य हो गया। Congratulations, नंदन, अब तुम और अमोली पति पत्नी हो। तुम जानते हो इस बात से हम बहुत खुश हैं। Congratulations. हाँ, पहले बिग बी ने कहा दिया, फिर उस पर नमक लगाया और अब यहां तुम आई हो, हम जख्मों पर मिर्च बसल रहे।
ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस माय बॉय। नंदन, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम जानते हो हम सब तुम्हारा भला चाहते हैं। अब समय आ गया है नंदन कि पिछली सारी बातें भुलाकर तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। देखो, हम दोबारा से दोस्त भी बन सकते हैं, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। नंदन, कुछ नहीं समझ रहा। नंदन, तुम्हारे हाथ में चोट। अच्छा लगा सुमन, अच्छा लगा ये देख करके तुम आज भी मुझे दर्द में नहीं देख सकती। आप क्यों पता है सुमन? क्योंकि तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो। बस नंदन, प्लीज चुप करो। प्लीज नंदन, ऐसी बातें मत करो। हम तुम्हारे बिग बी की पत्नी है, अब तो तुम्हारी भी शादी हो चुकी है। हमारी बात पर विश्वास करो। एक बार अपनी जिंदगी में आगे बढ़कर देखो नंदन, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। कुछ नॉर्मल नहीं होने वाला, कुछ नॉर्मल नहीं होगा तुम्हें। बिना तुम्हारे मेरी जिंदगी में कुछ नॉर्मल नहीं हो सकता। नंदन, तुम हमारी बात समझने की कोशिश करो। ऐसा लगता है जैसे जैसे जानबूझ कर बदलते वक्त से मुंह मोड़ लिया है तुमने। देखो, हमें तुम्हारी फिक्र है नंदन, हमें तुम्हारी बहुत फिक्र है, इसलिए तो हमने तुम्हारी जान बचाने वाली अमोली को स्वीकार किया है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। नंदन, प्लीज प्लीज रुक जाओ नंदन। नंदन, प्लीज, इस वक्त तुम होश में नहीं हो, हमारी बात समझ। नंदन प्लीज, अभी नहीं। नंदन प्लीज, हमसे दूर हटो प्लीज, हमें जाने दो प्लीज। तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। मैं तुमसे प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूँगा हमेशा। तुम मेरी पत्नी हो सुमन, और आज मैं ये कौन से तुम्हारे मामले में नंदन, नंदन, पागल हो गए हो क्या तुम? नहीं नहीं नहीं, हमने आपसे प्यार किया है सहरी बाबू। हम हैं आपका प्यार, और हम ही रहेंगे। सुमन नहीं, आपने हमारे प्यार का रंग देखा नहीं है सहरी बाबू। हम आप पर अपने रंग की छाप ऐसे छोड़ेंगे कि आप किसी और को देख भी नहीं पाएंगे। एक छाप हमने पूजा घर की दीवार पर मारा है आपको अपना बनाने के लिए, एक छाप हम आप पर मारते हैं, और वादा है हमारा आपसे, चाहे जैसे भी हम आपको अपना बनाकर रहेंगे। स्पेशल डेट नाइट विद हस्बैंड, याद है ना? आई लव यू सुमन। आई लव यू टू अंशुमन जी।
शिट। अच्छा मजा गया, लेकिन मुझे ऐसा फिर फालतू का मजाक बिल्कुल नहीं पसंद है। अंशुमन जी, आज से हमारी जिंदगी की नई शुरुआत हो रही है और हमें इसी शुरुआत का इंतजार था। सुहाइए मेरी धर्मपत्नी जी, अपने हाथों से सजाई इस जगह में आपका स्वागत है। ये नाटक मत करो, मुझे इस जबरदस्ती के खेल में शामिल नहीं होना। बंद करो। अंशुमन जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। वो आज हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने जा रही है, एक ऐसी शुरुआत जिसका मुझे हमेशा से इंतजार था। तो आज हम सिर्फ अपनी बात करेंगे और किसी की नहीं।